एक गांव में जॉन नाम का एक कसाई अपनी पत्नी मारिया के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है और उस घर में एक बेसमेंट था जिसमें जॉन मीट काटता था। एक दिन जॉन हमेशा की तरह सुबह सुबह सारा मीट काट कर शहर बेचने जा रहा होता है। आज तुम कब तक घर आओगे? ये क्या सवाल है, मैं तो हमेशा रात के 10 बजे तक ही आता हूँ, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे पूछ रही हो? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, वो मैं आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाने वाली हूँ ना, बस इसीलिए। आज तो बाजार में बहुत भीड़ होती है, इसलिए आज भी आने में देर हो जाएगी। उसके बाद जॉन मीट बेचने शहर चला जाता है। जॉन बाजार में मीट बेच ही रहा होता है कि तभी उसे मारिया की बात याद आ जाती है। आज मारिया ने कितने प्यार से मेरे लिए कुछ खास बनाया है, मुझे आज घर जल्दी जाना चाहिए। जॉन उसके बाद घर के लिए निकल पड़ता है और जब वो घर में घुसता है तो मारिया पड़ोस में रहने वाले हरि नाम के एक आदमी से बातें कर रही होती है। जॉन छुपकर दोनों की बातें सुनने लगता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ जॉन के साथ रहकर, अच्छा हुआ ये सुबह जाता है और देर तक घर आता है। जॉन मारिया की बातें सुन लेता है, उसे मारिया पर बहुत गुस्सा आता है। वो छुपकर हरि के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही हरि चला जाता है तो जॉन घर में अंदर जाता है। अरे आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, तुम घर पर नहीं होते तो मैं पूरा दिन अकेले घर में बैठी बस तुम्हारे आने का ही इंतजार करती रहती हूँ। जॉन मारिया को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। मारिया फिर जॉन के लिए खाना लेकर आती है। जॉन बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है, पर खाना खाते ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है, तुमने खाने में क्या मिलाया है? मैंने इसमें जहर मिलाया है ताकि मैं तुमको मार सकूं और हरि से शादी कर सकूं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मारिया। तुम खुद बचोगे तब मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे ना। जॉन तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद मारिया और हरि जॉन को बेसमेंट में ले जाते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाकी मीट के साथ मिला देते हैं ताकि किसी को कुछ भी पता न चले कि जॉन अचानक कहाँ गायब हो गया। मारिया बेसमेंट में एक बड़ा सा ताला लगा देती है और उसकी चाबी अलमारी में रख देती है। उसके बाद आस पड़ोस में लोगों को ये बताने लगी कि जॉन उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। बेचारी मारिया, कैसा आदमी निकला जॉन, बेचारी औरत को अकेला छोड़कर भाग गया। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अकेली पूरी जिंदगी कैसे रहूंगी। अरे तुम्हें अकेले रहने की क्या जरूरत है, तुम किसी से शादी कर लो और खुशी खुशी रहो। कुछ दिन बाद मारिया और हरि शादी कर लेते हैं, उन पर किसी को शक भी नहीं होता। दोनों खुशी खुशी मारिया के घर रहने लगते हैं क्योंकि मारिया का घर बहुत ही बड़ा होता है। एक दिन जब हरि और मारिया सो रहे होते हैं तो मारिया को बेसमेंट से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। मारिया हरि को जल्दी से उठाने लगती है पर हरि बिस्तर पर नहीं होता। ये हरि कहाँ है? मारिया कमरे के बाहर जाकर देखती है तो हरि कहीं भी नहीं होता। मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। मारिया बहुत डर जाती है पर फिर भी वो डरते डरते बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ होता है। मारिया अंदर जाती है तो वहाँ वही भूत हरि को मीट काटने वाले चाकू से काट रहा होता है। मारिया, आओ मारिया, अब तुम्हारी बारी है। कौन हो तुम? तुम्हारा पति हूँ मारिया, जॉन। जॉन? भूत हरि को मार देता है और उसके बाद मारिया के पीछे चाकू लेकर आने लगता है। मारिया वहाँ से भाग जाती है और घर के बाहर चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं इस घर में वापस गई तो जॉन का भूत मुझे मार डालेगा, मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मारिया पूरी रात घर से बाहर बैठी रहती है पर अपने घर के अंदर नहीं जाती। बैठे बैठे सुबह हो जाती है पर मारिया की अभी भी हिम्मत नहीं होती कि वो उस घर में वापस चली जाए, इसीलिए वो हरि के घर में जाकर रहने लगती है। वो उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताती ताकि उसका सच किसी को पता न चल जाए। मारिया को पैसों की जरूरत होती है इसीलिए वो अपना घर किराए पर चढ़ा देती है। क्या बात है मारिया, तुम अपना इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ क्यों रह रही हो, और हरि कहाँ है? वो काम के सिलसिले में अचानक शहर से बाहर गए हैं। जब उनका काम शहर में जम जाएगा तो वो मुझे भी यहाँ से ले जाएंगे। उनके आने में कुछ महीने लग जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इतने बड़े घर में अकेले रहने से अच्छा है कि मैं यहाँ आकर रह लूँ और उसे किराए पर चढ़ा दूँ। अच्छा, तो तुम उसे किराए पर चढ़ाने वाली हो? किराए पर तो चढ़ा दिया है, बस आज वो लोग उस घर में आने ही वाले हैं। चलो ये तो अच्छी बात है।
उसी दिन फिर उस घर में एक परिवार रहने आ जाता है। उस परिवार में रमेश, उसकी बीवी कावेरी और उनके दो बच्चे बबलू और पिंकी होते हैं। रमेश मारिया से उस घर की चाबी लेने आता है। मुझे आप घर की चाबी दे दो। हाँ ये लो चाबी। अच्छा वो मैं बोल रही थी कि बस उस बेसमेंट में मत जाना। पर क्यों? वो दरअसल मेरे पति कसाई थे और वो वहाँ मीट काटा करते थे, उसमें बहुत गंदगी है इसलिए मैंने उसमें ताला मार कर रखा है। ऐसी बात है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। रमेश और उसका परिवार मारिया के घर में रहने लगता है। सब उस घर में बड़े खुश होते हैं और बच्चों को तो बस इतना बड़ा घर खेलने के लिए मिल जाता है कि उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। सब लोग सो जाते हैं। बबलू और पिंकी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। रात को जब पिंकी को गर्मी लगती है और वो पंखा चलाने के लिए उठती है तो उसको ठक ठक की आवाज आती है। इतनी रात में ये आवाज कहाँ से आ रही है? पिंकी उठकर देखने जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर जब उसको लगता है कि आवाज बेसमेंट से आ रही है तो वो नीचे चली जाती है। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ होता है। पिंकी को बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है पर वो फिर भी अंदर जाकर देखती है। अंदर वही भूत चाकू लेकर मीट काट रहा होता है। पिंकी के डर के मारे आवाज ही नहीं निकलती और वो वहीं गिर जाती है। आजा आजा, तेरी बारी। ना, 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 मैं। भूत चाकू लेकर पिंकी की तरफ बढ़ने लगता है। पिंकी भागने की बहुत कोशिश करती है, फिर वो पिंकी के बाल पकड़ता है और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने लग जाता है। वो पिंकी को सामने मीट काटने वाली टेबल पर लिटा देता है और बस उसे काटने ही वाला होता है कि वहाँ रमेश आ जाता है। छोड़ दो मेरी बच्ची को, प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज। पापा मुझे बचाओ। रमेश को देखकर भूत हैरान हो जाता है और उसके हाथों से चाकू गिर जाता है। रमेश, मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? मैं जॉन, तुम जॉन हो? ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? मारिया ने मुझे जहर देकर मार डाला था। उसके बाद मारिया और हरी दोनों ने मेरी लाश को यहाँ लाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मीट में मिला दिया। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे पहले ही शक था कि मेरा भाई ऐसे भाग नहीं सकता। जब मारिया ने सब गांव वालों को ये बोला कि तुम उसे छोड़कर भाग गए हो तो ये बात मुझे भी पता चली। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी शादी भी कर ली। उसके बाद मुझे पता लगा कि वो इस घर को छोड़कर किसी और घर में रहती है और इस घर को किराए पर देना चाहती है। मैं बस उसी वक्त मौका देखकर सच का पता लगाने के लिए एक किराएदार बनकर यहाँ आकर रहने लगा। मारिया ने कभी मुझे देखा भी नहीं था, इसलिए पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैंने हरी को मार डाला और अब तुम मारिया को यहाँ लेकर आओ। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसे मैं यहाँ जरूर लेकर आऊंगा और उसे हम मरने से भी ज्यादा बड़ी सजा देंगे। रमेश उसके बाद मारिया के घर जाता है और उसे जैसे तैसे करके उस घर में ले आता है। उसके बाद रमेश और कावेरी मारिया को पकड़कर उस बेसमेंट में बंद कर देते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। तभी वहाँ जॉन का भूत आ जाता है। अब तुम्हारी बारी मारिया। मुझे मत मारो जॉन, मुझे माफ कर दो। मैंने हरी से शादी करने के लालच में तुम्हें जहर देकर मार डाला और फिर तुम्हारे टुकड़े करके मीट में मिलाए। मुझे सब याद है जॉन, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी मारिया। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और वहाँ रमेश और कावेरी पुलिस और बाकी गांव वालों के साथ खड़े होते हैं। मैं जॉन का भाई हूँ रमेश। मुझे यकीन था मेरा भाई ऐसे भाग नहीं सकता और इसीलिए मैं सच का पता लगाने के लिए यहाँ आया। अब तुम खुद अपने मुंह से बोल चुकी हो जो तुमने जॉन के साथ किया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मारिया अपने मुंह से खुद बोल चुकी होती है कि उसने क्या किया, इसलिए उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मारिया पूरी जिंदगी जेल में अकेली रहती है और हर रात जॉन का भूत उसके सामने चाकू लेकर खड़ा रहता था। मारिया डर की वजह से चैन से सो भी नहीं पाती थी और उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है।